गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट तो यहाँ पे आपको बी एड परीक्षा से कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन हम दे दे तो कल के लिए ऑल द बेस्ट गाइज और आज आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो लेकिन उतना भी हाईअर मत पढ़ना ताकि आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाए ओके चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार बिहार बी एड परीक्षा में नौ बजे से दस पैतालीस तक मिलेगा यानी कि परीक्षा में नौ बजे से प्रवेश मिलेगा और टेन फोर्टी फाइव से ओ एम आर सेट मिल जाएगा ओ एम आर सेट में आपको नेम भरना है रोल नंबर भरना है जो आपका रोल नंबर उस पर दिया हुआ है और फिर ग्रुप वगैरह जो भी उसमें दिए होंगे सब को अच्छे से फिल कीजिएगा मोटे पॉइंट वाले पेन को लेकर जाइएगा ये मैं कितनी बार कह चुकी हूँ फिर यहाँ देखना है तो नीले या काले बॉल पेन से भरना है यानी कि आप या तो ब्लू पेन ले जाइएगा या ब्लैक पेन लेकर जाइएगा जिले में शनिवार को 36 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा होगी यानी कल परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है इसको लेकर परीक्षा के नोडल अधिकारी प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने सभी केंद्र केंद्राधीक्षक ऑब्जर्वर एवं फ्लाइंग स्क्वाड के साथ गुरुवार को बैठक में मिथिला विश्वविद्यालय से आए चार ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे और आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं तो प्रोफेसर परीक्षा में सुबह नौ से साढ़े दस बजे प्रवेश दिया जाएगा इसके बाद अगर दस बजकर इकतीस मिनट भी होता है तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा दस पैंतालीस में आपको ओ एम सीट मिलेगा और दस पचपन में यानी कि ग्यारह बजने में पाँच मिनट जब बाकी रहेगा तो प्रश्न पत्र दिया जाएगा प्रश्न पत्र पैकेट पर दो छात्र और दो विक्षक हस्ताक्षर करेंगे यानी कि दो छात्र और दो विक्षक हस्ताक्षर के बाद ही इसे खोला जाएगा और थर्टी सिक्स ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है बारह फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए एक टीम के दो सदस्य रहेंगे ये तीन, तीन केंद्रों को देखिए कि एक कमरे में विचकों की तैनाती रहेगी साथ ही साथ बारह पिछले वर्ष तक परीक्षा हमें बारह गुनज परीक्षार्थी बैठाए जाते थे इस बार दस या बीस के गज में बैठाए जाएंगे प्रश्नों का बंडल दस या बीस गुनज के आधार पर ही होगा खैर ये सब छोड़िए आपका जो है आपका है बस ये है कि एग्जाम एग्जाम जो है सो टाइम पर होगा तो अपने टाइम पर ही पहुंच जाइएगा वैसे नौ से साढ़े दस बजे के बीच में जा सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए जाए कि आप दस बजे तक हार्डली वहां पहुंच जाओ और वहां जाकर एग्जाम सेंटर में जाइए थोड़ा रिलैक्स कीजिएगा पानी वगैरह जो है सो पीजिएगा और देन आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा तो कल के लिए ऑल द बेस्ट ये थी आज की इंफॉर्मेशन जो और बाकी जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर सूचित करेंगे थैंक यू